सर जी मेरा कौन सा हेड चल रहा था? आज आ जाओ बेटे इधर आ गए। कौन सा हेड चल रहा था बच्चों? सैलरी। 5 मिनट रिवाइज करें फटाफट सारा। चलिए तो समझिएगा। सैलरी का चार्जिंग सेक्शन क्या था? सेक्शन पी और सेटल हो जाओ पानी वाली पी। एंड कुणाल जी चार्जिंग सेक्शन क्या था? सैलरी का क्या था? 15। सैलरी के अंदर टोटल 3 कंपोनेंट्स होते थे, कौन कौन से? अलाउंस, परपजेस और रिटायरमेंट बेनिफिट। दोबारा से सेक्शन 15 पे आ जाता हूँ। सेक्शन 15 का रूल क्या था? सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं 50,000 महीना कमा रहे हैं, साल का कितना हो गया? 6 लाख। लेकिन अगर आपको मिला नहीं, मिला आपको 0, फिर भी टैक्सेबल कितना होगा? 6 लाख। फिर हमने इसका सैलरी का फॉर्मेट देखा था, जिसके अंदर बेसिक सैलरी टैक्स ट्रीटमेंट बताओ सीधा सीधा टैक्सेबल। डीएनएस अलाउंस बोनस कमीशन टैक्सेबल। और जो भी एग्जेम्प्ट होता था बेसिकली वो 3 कैटेगरी में बटा हुआ। सबसे पहला क्या था? अलाउंस, परपजेस, रिटायरमेंट बेनिफिट। और हाँ, ये निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसको क्या बोला जाएगा? ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी फाइनल आंसर है, डिडक्शन मिलेगी कितनी? 3। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 16 और 16 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, 16 2 प्रोफेशनल टैक्स और 16 3 एंटरटेनमेंट टैक्स। सीधा एंटरटेनमेंट। चलिए फिर दोबारा से अगर बात करें तो टेक्निकली 3 कैटेगरीज हो गई हमारी, अलाउंस, परपजेस और रिटायरमेंट बेनिफिट। हमने सबसे पहले करा था अलाउंस। अलाउंस कैश में होता है, काइंड में कैश में, और अलग अलग कैटेगरी। सबसे पहले ऑफिशियल, देन पर्सनल, एचआरए, एंटरटेनमेंट अलाउंस, अलाउंस टू एम्प्लॉयज वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एग्जेम्प्ट अलाउंस और अदर अलाउंस। ऑफिशियल अलाउंस का रूल क्या था? रिसीव्ड और स्पेंट व्हिचएवर इज लोअर इज एग्जेम्प्ट। अलाउंसेस कितने थे टोटल? 6। सबसे पहला ट्रैवलिंग अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, डेली अलाउंस। इन 6 के 6 आपके ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए हेल्प करा जाता था। और रूल था रिसीव्ड और स्पेंट व्हिचएवर इज लेस। अगर आपको रिसीव 100 और आपका स्पेंट भी 100 है तो टैक्सेबल कितना होगा? 0। टैक्सेबल बोला मैंने, एग्जेम्प्ट नहीं बोला। इफ यू हैव रिसीव्ड 100, यू हैव स्पेंट 100, ऑब्वियसली नथिंग इज रिटेन्ड। इफ यू हैव रिसीव्ड 100 एंड यू स्पेंट 80, हाउ मच इज एग्जेम्प्ट? 80। एग्जेम्प्ट 80 और टैक्सेबल 20। वेरी गुड। फिर इसके बाद सरकार ने बोला कि अब हम कुछ अलाउंसेस की लिस्ट बनाएंगे और उसको बोला जाएगा पर्सनल अलाउंस, जिसके अंदर हम लोगों ने कौन कौन से करे थे? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, लिमिट क्या थी? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। दूसरा चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, कितने रुपए? 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। लेकिन पहले बच्चे के बाद ट्विंस हो गए तो अलाउड। ट्रांसपोर्ट अलाउंस या तो 1600 या तो 3200। 1600 हट चुका है, 3200 पर मंथ ओनली है, ओनली फॉर हैंडीकैप्ड। ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 रुपए पर मंथ अगर एम्प्लॉय ट्रैवल में काम करे। इसके अलावा कुछ 7-8 अलाउंसेज है, वो आपको बस नाम याद रखने हैं, उसका लिमिट हालांकि पेपर में पूछे नहीं जाते। इसके बाद हमने करा था, अच्छा इसका रूल क्या था बच्चे? रिसीव्ड और लिमिट स्पेसिफाइड व्हिचएवर इज लेस इज एक्सेप्ट। वेरी गुड। इसके बाद हमने एक बड़ा अलाउंस करा था एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। एचआरए मिलने की कंडीशन? ना, कंडीशन का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं कब एक्सेप्ट होगा। पहला यू शुड रिसीव एंड यू शुड पे रेंट, और मिलेगा तभी तो एग्जेम्पशन लेगा, और मिलेगा अगर रेंट पे करेगा तो ही एग्जेम्पशन मिलेगी। 3 लिमिट थी, तीनों में से जो मैक्सिमम है वो एग्जेम्प्ट होगा लोएस्ट। लोएस्ट पहली लिमिट एक्चुअल एचआरए रिसीव, दूसरी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ठीक है, गुड, अच्छी बात। तीसरी लिमिट 50% और 40% ऑफ सैलरी। 50% कब होगा? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। और अगर ये पूरे साल में कोई भी वेरिएबल चेंज हो गया
तो पूरा 12 महीने का नहीं निकलेगा, ब्रेक हो जाएगा वो भी एचआरए क्लियर है सबको। एंटरटेनमेंट अलाउंस या तो गवर्नमेंट कंपनी को मिलता था तो नॉन गवर्नमेंट को मिलता था, गवर्नमेंट को मिलेगा तो इंक्लूडेड इन सैलरी, नॉन गवर्नमेंट को मिलेगा तो इंक्लूडेड इन सैलरी, पर डिडक्शन किसको मिल जाएगी? गवर्नमेंट को। कितनी लिमिट निकलेगी? 3, जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहली लिमिट एक्चुअल रिसीव, दूसरी 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तीसरी 5,000 पर मंथ या पर एन, पर एन, वेरी गुड। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सारा का सारा टैक्स। फिर हमने करा था अलाउंस गिवन टू एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि जैसे कोई ट्रक ड्राइवर है, IRCTC एम्प्लॉयज है, DMRC एम्प्लॉय है, एयर इंडिया, विस्तारा, व्हाटएवर एयर फ्लाइट्स। कहने का मतलब उनको जो भी अलाउंस मिल रहा है उनको उसकी एग्जेम्पशन तभी मिलेगी जब उनको कौन सा अलाउंस नहीं मिल रहा हो? डेली अलाउंस। डेली अलाउंस अगर डेली नहीं मिल रहा तो एग्जेम्पशन क्या थी? या तो 10,000 पर मंथ या फिर 70% ऑफ सच अलाउंस, व्हिचएवर इज लो। आई होप आपको याद आ रहा है। एग्जेम्प्ट अलाउंस क्या थे बच्चे? हाई कोर्ट के जजेस को सारे के सारे अलाउंस माफ, UNO एम्प्लॉयज को सारे अलाउंसेस माफ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया अलाउंसेस एग्जेम्प्ट, और आखिरी क्या था वो सैंक्चुअरी अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस को हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट सारा रिवाइज करा दिया बेटे आपको। और इसके अलावा जो भी अलाउंस आ जाएगा वो अदर अलाउंस में चला जाएगा, जैसे कि फूड अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, एसी अलाउंस, टी अलाउंस, कॉफी अलाउंस। आप मुझे बताइए अलाउंसेस क्लियर है आपको? इसके बाद हमने बात करी थी।